नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है लैंगिक विविधता एवं लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर इनइक्वालिटी। दोस्तों, ऐसा अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं गया है सीटेट का 2011 से लेकर के 2020 तक का जिसमें लैंगिक विविधता, लैंगिक रूढ़िवादिता या जेंडर इनइक्वालिटी से प्रश्न 2 से 3 नंबर के आपके एग्जाम में ना पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, लैंगिक विविधता पहले होती क्या इसको समझते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या। दो लैंगिक में जैसे फीमेल और मेल में यदि आप विविधता रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं, पूर्वाग्रही को दर्शाते हैं या इनइक्वालिटी को आप दर्शाते हैं तो वह लैंगिक विविधता, लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है। दोस्तों, अब दोस्तों आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि बालक एवं बालिकाएं उत्पन्न क्षमताएं जो होती हैं वह शारीरिक और मानसिक समान होती हैं। शारीरिक और मानसिक तो समान होती हैं, भिन्न तो सिर्फ शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जो मनोवैज्ञानिक कहते थे। अब बात करते हैं समाज में व्याप्त ऐसे विचार जो पुरुष एवं महिलाओं में भेद करते हैं। यह मानते हैं कि पुरुष अधिक क्षमतावान है। समाज में व्याप्त ऐसे विचार जो माने कि पुरुष क्षमतावान है या महिला क्षमतावान है, तो उस विचारधारा को लैंगिक रूढ़िवादिता का नाम देते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं NCF 2005 ने क्या सुझाव दिया, कैसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक को लेकर के। NCF 2005 का यह सुझाव दिया कि लैंगिक रूढ़िवादिता एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूढ़िवादिता तो है ही, ये NCF 2005 कहता है, परंतु इस तरह की रूढ़िवादिता विद्यालय परिवेश में भी देखने को मिल जाती है, ये NCF कहता है। अब कैसे मिल जाती है, इसका मैं उदाहरण देता हूं आपको। किसी पाठ्यचर्या में या किसी कोई अध्यापक जब कोई उदाहरण दे रहा है उसमें पुरुष वर्ग को अधिक क्षमतावान बताए या अधिक सामर्थ्यवान बताए और महिला वर्ग को कम सामर्थ्यवान बताए, तो वो एक तरीके का लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाएगा विद्यालय परिवेश में। या बालकों के अलग ग्रुप बनाए जाए और महिलाओं के अलग ग्रुप बनाए जाए, बालिकाओं के अलग ग्रुप बनाए जाए, उसे भी आप लैंगिक रूढ़िवादिता के अंतर्गत रखेंगे। अब NCF 2005 ने पहले तो कोट किया कि आप लोग कर रहे हो लैंगिक रूढ़िवादिता, फिर उसने सुझाव दिया कि क्या नहीं करो तो लैंगिक रूढ़िवादिता रुक सकती है और यही आपके पेपर में आ जाएगा। तुलना असमानता अंतर, तुलना नहीं करनी चाहिए, असमानताओं को नहीं रखना चाहिए और अंतर आदि को जो बालक और बालिकाओं से संबंधित हो उन्हें पाठ्यचर्या में बिल्कुल संबंध स्थान नहीं देना चाहिए। यदि तुलना की बात हो, यदि असमानताओं की बात हो, यदि अंतर की बात हो, तो बालक और बालिकाओं के बीच में संबंधित हो तो पाठ्यचर्या में स्थान नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं कक्षा में प्रयोग किए गए उदाहरण एवं शिक्षण सहायक सामग्री पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब आप शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग कर रहे हो, तो किसी एक पक्ष को, चाहे महिला वर्ग हो और चाहे पुरुष वर्ग हो, किसी एक पक्ष को पूर्णता व समर्पित नहीं होनी चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, समावेशी शिक्षा व्यवस्था द्वारा बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा तो कहती है, क्या कहती है, कि समान विद्यालय में समान पाठ्यक्रम के द्वारा समान अध्यापक के द्वारा नियत समय में दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। दोस्तों, लैंगिक रूढ़िवादिता समाप्त कर सकते हैं आप समावेशी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का प्रयोग करके। अब दोस्तों एक प्रश्न है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रयोगशाला में सभी को समान स्थान देना चाहिए। जैसे कि खेल खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए, जब कोई बालिका बैटिंग करने आई तो उससे तो कोच ने कहा कि इसको धीरे से गेंद फेंकना, तो ये क्या हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता हो जाएगा, लैंगिक भेदभाव हो जाएगा।
यानी कि बालक और बालिकाओं को खेल के मैदान में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और प्रयोगशालाओं में समान स्थान देना चाहिए, समान अवसर प्रोवाइड कराने चाहिए। अब बात आई लैंगिक रूढ़िवादिता का विपरीत, लैंगिक सशक्तिकरण है। लैंगिक रूढ़िवादिता का विपरीत लैंगिक सशक्तिकरण है अथवा महिला सशक्तिकरण है। लैंगिक रूढ़िवादिता का विपरीत दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अगर लिखा है लैंगिक रूढ़िवादिता तो उसका मतलब है पक्षपात कर रहे हो, और लैंगिक सशक्तिकरण लिखा है या महिला सशक्तिकरण लिखा है इसका मतलब है पॉजिटिव वे में चल रहे हो। प्रश्न आ जाए तो फिर गलत मत करना। ये प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आया भी है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, आपके ऑप्शन होंगे लिंग एक सामाजिक संरचना है, लिंग एक जैविक संरचना है, तो आप कहोगे लिंग एक सामाजिक संरचना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। एक तो प्रश्न यही बन जाएगा कि लिंग क्या है, तो आप कहोगे एक सामाजिक संरचना है। फिर प्रश्न इस तरीके से बन जाएगा, एक बालिका है विद्यालय में बहुत शोर कर रही है और एक बालक भी विद्यालय में बहुत शोर कर रहा है, आपने बालक को डांटा और बालिका को नहीं डांटा, या बालक को आपने मार्गदर्शन दिया बालिका को मार्गदर्शन नहीं दिया, तो ये प्रश्न भी लैंगिक रूढ़िवादिता से संबंधित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, जेंडर इनइक्वालिटी टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपके 2 से 3 नंबर भी पक्के हो चुके हैं दोस्तों। इसी तरीके से आपको सारे के सारे टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस, एक प्लेलिस्ट बनाई हमने सीटेट क्रैक 2021 के नाम से, उसमें दोस्तों सारे के सारे टॉपिक बाय टॉपिक, सारा का सारा स्टडी मटेरियल वहां पर मिल जाएगा आपको। ज्वाइन कर लीजिए, उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला जो लिंक है वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से यदि आप बेनिफिशियल वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी तो आपको मिल पाएंगी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस हमारी, हमारे लाइव सेशंस। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद साथी।